हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। मैं रितु कुमार, आप देख रहे हैं रितु कुमार ब्लॉग्स। तो जैसे कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग्स में जापानीज टेंपल घुमाया था, जापानीज बुद्धिस्ट टेंपल, तो मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जब सारनाथ में आया हूँ तो सारनाथ का ओरिजिनल जो नेम है वो सारनाथ क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे शिव जी की जो है वो टेंपल की वजह से और भोलेनाथ की टेंपल की वजह से। तो मैं आ चुका हूँ, सामने देख सकते हैं पीछे की तरफ, जो कि यहाँ पे अब भोलेनाथ का टेंपल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, जो कि व्यू बहुत ही क्लियर आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ, अनोखा है देखने में। तो चलते हैं आप लोगों को, मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ हर एक चीज़। बस जाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ हर एक चीज़ क्या है यहाँ पे और क्यों नाम पड़ा है सारनाथ। दोस्तों देख सकते हैं, यही है हमारा सारनाथ शिव जी का टेम्पल का मुख्य द्वार। तो चलते हैं ऊपर की ओर। जय भोलेनाथ, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों देख सकते हैं, हमारा अभी तक का जो भी मैं आप लोगों को टेंपल घुमाया हूँ सारा बुद्धिज्म रिलेटेड घुमाया हूँ, लेकिन ये हमारा हिंदू धर्म का टेंपल जो कि भोलेनाथ के टेंपल में दरबार में मैं आ गया हूँ। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और दिखाता हूँ नीचे से व्यू। देख सकते हैं ये मतलब एक पहाड़ टाइप का बनाया गया है और ऊपर से आप लोग देख सकते हैं रोड नीचे और टेम्पल ऊपर में है। चलते हैं ऊपर, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है बाबा सारंगनाथ महादेव जी। तो ये हमारे यहाँ पे बरगद का पेड़ है और ये है दोस्तों टेंपल जो कि भोलेनाथ का टेंपल है। तो यहाँ का यही है भोलेनाथ का टेंपल दोस्तों। तो अभी जो है मैं अभी नीचे पूछा था एक बाबा से, वही बोले कि यहाँ पे सारनाथ जो है नेम पड़ा है वो भोलेनाथ की ही वजह से, क्योंकि यहाँ पे जबकि वही तो मैं सोचा जब से पहले से मतलब इतना घूमा। तो दोस्तों हर एक जगह बुद्धिस्ट धर्म, लेकिन यहाँ पे जो है अब मेरे को आने के बाद लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पर अपने भगवान के पास आ गया हूँ। तो आप लोगों को क्या है विचार वो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं ऊपर जो है लिखा हुआ है सारंगनाथ, जो कि ये टेंपल का नाम है दोस्तों सारंगनाथ। क्या भैया वो तालाब का क्या नाम है? तालाब है ना, क्या नाम क्या है उसका? सारनाथ पोखरा। तो दोस्तों ये जो है आप लोग तालाब नीचे की तरफ देख रहे हो वो सारनाथ पोखरा है। और एक और है क्या इधर तालाब वगैरह? यही है एक तालाब, यही टेंपल के वजह से यही यहाँ सारनाथ नाम पड़ा है ना। पानी पी लीजिए सर आप। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बजरंगबली भी हैं हमारे भगवान जी, और सामने गौरी गणेश, ये हमारे। आप लोगों को थोड़ा तालाब का नज़रिया दिखा देता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मैं सोच रहा हूँ नीचे जाने का, लेकिन दोस्तों रास्ता तो दिख नहीं रहा है, मतलब देख सकते हैं आप वो देख सकते हैं दोस्तों, लुक तो बहुत ही सुंदर है यहाँ का तालाब। लेकिन मैं जाता हूँ, मैं दोस्तों यहाँ जंप मार के नीचे आ चुका हूँ, अब यहाँ से भी नीचे जाना होगा व्यू दिखाने के लिए आप लोगों को। तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, लगभग 7 फीट होगा, तो मैं जंप मार रहा हूँ। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं सटे में एक पानी टंकी भी है और ये है सारनाथ पोखरा जो कि सारंगनाथ के नाम से है यहाँ पे। और नीचे की तरफ ये पोखरा है जो कि यही है यहाँ का फेमस है, और ऊपर हमारे महादेव जी का टेंपल है ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ का सारनाथ का हर एक टेम्पल, बौद्धिस्ट टेम्पल और यहाँ महादेव जी का टेम्पल आप लोगों को घुमाया, जो कि आप लोगों को कौन सबसे अच्छा लगा, प्रिय लगा? शांति का प्रतीक का बात करूं तो बौद्धिस्ट जो है दोस्तों बेस्ट है, और यहाँ पे मेरे को तो हर एक चीज़ अच्छा लगा। आप लोगों को क्या लगा वो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा।
दोस्तों ये है हमारा सेकंड द्वार। मैं पीछे से भी आया था और एक यहाँ से फ्रंट से भी एक रास्ता है जो कि आने का, तो मैं चलता हूँ ऊपर। थकावट दोस्तों बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन व्लॉग अब डाल आया हूँ तो हर एक चीज़ आप लोगों को घुमाऊंगा ही। बैटरी दोस्तों 1% हो चुका है, कब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए कोई पता नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फूल वगैरह मिलते हैं, चलते हैं भगवान जी के भी दर्शन कर लेते हैं, आए हैं तो। जय भोलेनाथ। मतलब गुंजा है यहाँ पर भी, दोस्तों यही है हम यहाँ पे महादेव जी, आप लोग देख सकते हैं क्लियर, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को हर एक चीज यहाँ का घुमा दिया हूँ, सारंगनाथ भी और पूरा मतलब सारनाथ आप लोगों को यहाँ का जो भी मैं हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को बोला था कि मेरा मतलब मोबाइल में बैटरी भी नहीं है तो चार्ज 1% था और मोबाइल जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो स्विच ऑफ हो गया। दोस्तों अभी देख सकते हैं मतलब व्लॉग मैं बना रहा हूँ चार्जिंग अभी लगा के दोस्तों, तो मतलब टाइम भी मेरे पास नहीं है। दो दोस्तों देख सकते हैं सामने घड़ी है, वहाँ पे 2 भी बज चुके हैं और 3 बजे मेरा ट्रेन है कैंट से और मैं अभी सारनाथ हूँ और कैंट अभी जाना भी है, मतलब बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। इसलिए आप लोगों को जितना हो सके यहाँ पे देख सकते हैं अभी चार्ज लगा के आप लोगों को लास्ट वीडियो मतलब बना दे रहा हूँ यहाँ का। तो सारनाथ में दोस्तों हम जहाँ जहाँ घूमे हैं आप लोगों को सारा मतलब ब्लॉग के रूप में आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो अगर कहीं भी घूमा मतलब मिस हो गया हो तो मैं फिर आऊँगा कभी और फिर आप लोगों के लिए अभी घुमाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी मैं ट्रेन भी पकड़ना है और जाना भी है वापस घर की तरफ भी, तो जो हो सके आप लोगों को यहाँ का घुमा दिया हूँ। सामने जो है अभी इधर जो है आप लोगों को शिव जी का टेम्पल दिखा दिए, सामने हनुमान जी भी है और सामने यहाँ वैष्णो माता भी है, तो हर एक चीज़ का आप लोगों को जो है व्यू वगैरह दिखा दिया हूँ दोस्तों। अभी मेरा जो है 5% हो गया है इसलिए मैं अभी मोबाइल ओपन किया और आप लोगों को लास्ट क्लिप यहाँ का ले लिया हूँ। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा चार्जिंग पॉइंट निकाल दिया हूँ, निकाल के आप लोगों को थोड़ा इधर का भी बाहर का भी व्यू वगैरह दिखा दे रहा हूँ। इधर का आप लोगों को स्टार्टिंग टाइम भी आ गया, यहाँ पे दिखा दिया हूँ पेड़ है और यहाँ पे एक शिवलिंग भी है। तो दोस्तों सारनाथ जो है जहाँ तक मेरे को मतलब पता चला, सारनाथ का नाम मतलब जब से मैं मतलब घूम रहा था तो मेरे को पता नहीं था कि शिव जी का भी यहाँ पे टेम्पल है, बस मालूम था लेकिन ये नहीं मालूम था कि शिव जी का टेम्पल है। जैसे ही मैं बुद्धिस्ट मंदिर, जापानीज मंदिर और जितने भी चाइनीज टेम्पल घूमा उसके बाद मेरे को मालूम चला कि नहीं यहाँ पे है और किस क्यों नाम पड़ा है ये सारा चीज। तो जैसे ही दोस्तों मालूम चला तो मैं मतलब टाइम हो या नहीं हो मैं यहाँ पे देखने चला आगे दोस्तों, क्योंकि मेरे को मतलब जब आया हूँ बुद्धिज्म टेम्पल इतना घूमा लेकिन जब अपना ही टेम्पल नहीं घूमूंगा तो वो तो मेरे लिए अच्छा बात नहीं था दोस्तों। इस वजह से मैं आया यहाँ पे और आप लोगों के लिए भी सोचा कि नहीं, जब आया हूँ तो सारनाथ का जो मेन चीज़ है जो कि सारनाथ यहाँ पर नाम रखा है वही जब नहीं घुमाऊँगा तो वो अच्छी बात तो है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ लक्ष्मी गणेश जी का भी मूर्ति है, हर एक चीज़ का यहाँ पे है, भोलेनाथ का भी दर्शन वगैरह हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पे चलते हैं, हर एक चीज़ का व्यू वगैरह आप लोगों को दिखा दिया हूँ। सामने देख सकते हैं राम जी लक्ष्मण जी की
और सीता माता, हर एक चीज़ का मतलब टेंपल यहाँ पे लगभग जो है पूरा कंप्लीट है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं वैष्णो माते हैं और शिवलिंग जी भी है। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं अर्चिता। तो ये जो है ये शीतला जी की आरती, यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सामने की तरफ जो पॉन्ड है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया हूँ दोस्तों, हर एक चीज़ हो चुका है। ऊपर का तरफ जो है व्यू आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं मंदिर का ऊपर का व्यू और ये आप लोगों को अंदर का व्यू। तो हर एक चीज़ दोस्तों हो चुका है, चलते हैं। अब हमारा जो है कैंट भी चलना है, टाइम भी दोस्तों हमारा हो चुका है, 2:15 हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। कैसा लगा हमारा यहाँ का वाराणसी का सारनाथ, आप लोगों का पूरा जो है 3 वीडियो 4 वीडियो जो भी बन चुके हैं, हर एक चीज़ का मिक्सअप का कमेंट यहाँ पे ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अभी फिर कहीं भी जाऊँगा तो ज़रूर आप लोगों को अगेन घुमाऊँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।